आज राज किचन रेसिपी बनाएंगे बाफला बाटी, नहीं बनाएंगे बाफले बनाएंगे, क्योंकि बाफला और बाफला बाटी दोनों अलग अलग तरीके से बनते हैं। और आज है मेरे बच्चे का, मेरे बेटे का बर्थडे है और उसने फरमाइश करी दो चीज़ों की, ठीक है। उसने कहा कि तो दाल बाफले बनाओ, तो दाल तो मैंने कैंसिल कर दी क्योंकि यार सब नहीं बन सकता है। और उसने बोला छोले भटूरे बनाओ, तो छोले की सब्जी बनाएंगे और बाफले बनाएंगे। अब यहाँ मैं वीडियो के अंदर आपको बिल्कुल डीप नहीं बताने वाला हूँ, थोड़ा जल्दी वीडियो बनाऊंगा क्योंकि फिर मैं आपको थोड़ा सा बर्थडे बॉय से भी मिलाऊंगा लास्ट में वीडियो में, बने रहें आप। तो बर्थडे बॉय का बर्थडे बॉय से भी मिलाऊंगा और बर्थडे बॉय का जो बर्थडे बनेगा वो भी आपको दिखाऊंगा, वीडियो में लास्ट तक बने रखें। और अभी दिखाता हूँ आपको, मैंने जो उसके छोले भटूरे उसके ज़्यादा फेवरेट है, बोले छोले भटूरे पापा ज़रूर बनाओ, तो वो भी बनाने हैं। और करीब काफ़ी 25 जने आने वाले हैं उसके बर्थडे पे, बस ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाते, 25 जने आने वाले, फैमिली के ही हैं, दोस्त यार हैं, 25 जने आने वाले, ज़्यादा बच्चे आएंगे, बड़े कम आएंगे, और 25 जनों के लिए इतना बाफला काफ़ी रहेगा। और छोले भटूरे तो भैया जब भटूरे की सब्जी हम बनाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो हमने उसके लिए वो जो काबुली चने होते हैं वो भी भिगो के रख दिए थे कल ही, आपको काबुली चने भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये रहे 750 ग्राम काबुली चने भी हमने भिगो दिए हैं और इनको थोड़ी देर बाद काम में लेंगे, इनको करीब 18 घंटे हो गए हैं भीगते हुए, छोटे वाले हैं इसलिए ज़्यादा फूले नहीं है। अब आ जाते हैं यहाँ पर हमारे बाफले बनाने में। तो आटा लिया है 1 किलो, देखिए मैं जल्दी जल्दी बोलूँगा तो आप माइंड नहीं करना, और दूसरा मैं पूरी डिटेल वीडियो कभी और लेके आऊँगा अगर आप कमेंट करेंगे ज़्यादा। तो 1 किलो आटा लिया है गेहूँ का, ठीक है, अच्छे से छान लिया है। क्या करेंगे, 250 ग्राम सूजी डाल देंगे, 250 ग्राम सूजी, और सूजी कौन सी लेनी है, बारीक वाली सूजी। के बाद में क्या करना है, 200 ग्राम बेसन डाल देना है, बेसन डालने के बाद में क्या करना है, इसे मिलाना जरूर है, इसको मिलाना है, पहले मिला लेते हैं, पहले ये सीक्रेट है, पहले आप ये चीज़ों को मिला लें, एक सार कर लें, बेसन सूजी और आटा एक सार कर लें। अब डालेंगे इसमें सबसे पहले हल्दी, 2 बड़े चम्मच, ये देखिए, इसे मिला लेंगे, और डालेंगे इसमें 2 बड़े चम्मच अजवाइन, एक बड़ा चम्मच जीरा, तीन बड़े चम्मच ये देखिए कुटा हुआ होना चाहिए थोड़ा सा, साबुत भी डलता है, कुछ साबुत भी डालते हैं लेकिन इस तरह थोड़ा सा दरदरा और कुछ साबुत होनी चाहिए, तो 3 बड़े चम्मच हम इसमें डाल देंगे साबुत और दरदरा हल्का सा कुटा हुआ, और हरा धनिया बहुत, ये हरा धनिया नहीं है सॉरी, ये जो साबुत धनिया है ये बहुत ज़रूरी है, इसकी जो खुशबू आती है ना, आहा एक नंबर आती है, मज़ा आ जाता है, क्या बात है, मज़ा आ जाता है। अब यहाँ पे सौंफ डालनी है, तो सौंफ ज़्यादा डाल दोगे तो क्या होगा, सौंफ ही सौंफ की फ्लेवर आएगी, फ्लेवर सबसे ज़्यादा इसका आना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, 2 चम्मच सौंफ डाल देंगे, और अब क्या डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच हींग पाउडर, साथ में 2 हिंगों के पाउच, ये काट लेते हैं और ये गए 2 हिंगों के पाउच। अब हिंगों के पाउच 2 डाले हैं तो इसलिए इसमें जो खाने वाला सोडा है ना वो कितना डालेंगे, वो डालेंगे आधा चम्मच मीठा सोडा खाने वाला। चलिए अब इसे एक बार मिला लेते हैं, मिलाना बहुत जरूरी है। अब डालेंगे इसमें नमक, तो अधिकतर लोग इसमें काला नमक नहीं डालते हैं लेकिन ये सीक्रेट है, काला नमक डालोगे ना तो मस्त मजा आएगा। तो क्या करेंगे इसमें,
एक चम्मच काला नमक डालेंगे, इतना, और एक चम्मच ही ये सी सॉल्ट डालेंगे, मिला लेंगे। यह मिलाना जरूरी है। नमक मिल गया अच्छे से, अब क्या करना है, अब डाल देना है इसमें दही। कितना कितना दही डालना है, 300 ग्राम दही डालना है। अगर खट्टा दही है तो 200 ग्राम, फ्रेश दही है तो 300 ग्राम, मिला लेते हैं। अब कुछ लोग इसमें तेल डालते हैं, कुछ लोग घी डालते हैं, लेकिन घी डालने से क्या होता है कि ये क्रिस्पी भी होती है और सॉफ्ट भी होती है, और तेल डालने से क्रिस्पी ही बनती है बस। तो हम यहां डालेंगे करीब 200 से 300 ग्राम देसी घी, गाय का। वाह क्या बात है, लीजिए अब मिला लेते हैं। अब यहां मेहनत करनी है, सबसे ज्यादा मेहनत अब घी डालने के बाद करनी है। और कुछ लोग इनको घी में ही फ्राई करते हैं, पर घी वाला हिसाब थोड़ा महंगा हो जाता है, इसलिए लोग तेल का यूज करते हैं। तो ये देखिए अच्छे से मिला लिया है। अब चमचे को रखूंगे साइड में, अब हाथ से इसे मैश करेंगे इस तरीके से। देखिए ये देखिए इस तरीके से, ऐसे आप थोड़ी मेहनत करेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया बाफले बनने वाले हैं। क्या बात है, मजा आ रहा है यह मिलाने में, मुझे तो बहुत मजा आता है। क्या बात है, एक नंबर। ये जो देखिए डले दिख रहे ना, ये डले सारे रिमूव कर देने हैं, और फटाफट हमें इसे बिल्कुल एकदम इस तरीके से मसल मसल के बराबर कर लेना है। ये देखिए आय हाय हाय क्या कलर है, मजा आ गया। ये देखिए अच्छे से हमने इसे रगड़ रगड़ के मिला लिया है, मोटे डले नहीं रहने चाहिए। डलों का क्या मतलब होता है नीचे फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दो। अब लेंगे गुनगुना पानी, और इसका एक पूरी का आटा लगाते ना, पूरी बनाते जैसे पूरी, तो ढीला आटा लगाना है, रोटी का आटा नहीं लगाना, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। और पानी भी कैसा लेना है, बिल्कुल हल्का गुनगुना, ज्यादा गर्म पानी नहीं लें, बिल्कुल हल्का गुनगुना पानी लेकर। ये देखिए इस तरीके से आपको यहां पर चलाना है, जहां पानी डाल रहे हैं गूंथना है और उसको उठाकर साइड में रख देना है। ये देखिए इसको, हाँ ऐसे, और फिर पानी डालना है और फिर इसे गूंथना है, और इसे भी गूंथ के अच्छे से फिर इसको भी हम साइड में रख देंगे इस तरीके से पूरा। ये देखिए हमें गूंथ लेना है। वाह क्या बात है, पर देखिए ज्यादा सख्त और ज्यादा ढीला दोनों काम नहीं करने आपको, ठीक है। ज्यादा आप अगर ढीला कर दोगे तो ये पानी में घुल जाएंगे, क्योंकि इनको हमें बॉईल करना है, ठीक है। ये देखिए कितने बढ़िया से चिकना आटा हो गया है, और इस तरीके से मथना जरूर है। और देखिए परात आपकी बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए, अगर परात में नहीं चिपक रहा है तो परफेक्ट बाफलो का हिसाब किताब हो गया। अब इसको इस तरीके से रखेंगे, और गीला कपड़ा निचोड़ कर इस पर ढककर रख देंगे। कितना, 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख दो, बहुत बढ़िया, क्या बात है। और यहाँ पर हमने चढ़ा दिया है पानी, क्योंकि इनको बॉयल करना जरूरी है, और गैस को कर देंगे ऑन, और इसमें उबाल ही आने देनी है अच्छे से। तो लीजिए पूरे 15 मिनट हो गए हैं, गीले कपड़े से ढके हुए हटा देते हैं। अब क्या करेंगे, अब इसकी बाटी बनाएंगे। कैसे, ऐसे लेंगे डो, ये देखिए इतना डो लेना है, और इसको इस तरीके से रब करना है। देखिए गोल भी बनती है, दो तरीके से बनती है, देखिए इस तरीके से गोल भी बन जाती है, और इस तरीके से अंडाकार भी बनती है, तो आपके ऊपर है आप कैसे बनाओ। तो मैं बनाने वाला हूं गोल, ये देखिए इस तरीके से, ये अंगूठा चलना चाहिए इसे बराबर, ये देखिए इस तरीके से बना लेंगे। तो ये देखिए करीब 17-18 हैं, आप गिन के बताओ फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में कितनी है, ये बाफला कितनी है नीचे कमेंट। मैंने तो गिना 17 हैं, तो मेरे को कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप जल्दी से फटाफट
पॉज करके गिन के बताओ कितनी है। और ये देखिए पानी में आ गई हो, उबाल ली। अब क्या करना है, यहां से देखिए इसको उठाना है इस तरीके से और डाल देना है। एक बार में सारी नहीं होगी क्योंकि मेरे पास बड़ा बर्तन नहीं है। एक बार में हम यहां पर 8 से 9 डालेंगे। ये लास्ट वाली पूरी तो नहीं आएगी, पूरी डाल दोगे तो लफड़ा हो जाएगा। लफड़ा, हाँ थोड़ी उबाली आने दें, पानी थोड़ा ज्यादा है तो ये 2 बार में ही होगी। एक और डाल देते बस। बस अब क्या करना है, 10 मिनट इन्हें उबालना है। देखिए मैंने बोला था ना आपको, थोड़ी देर बाद सब धीरे धीरे ऊपर आ जाएगी, ये सब बाफला ऊपर आ जाएंगे। आ गए ना देखिए करीब करीब, इसलिए हमने कम डाले। एक बार फिर झावा चला लेते हैं। और कच्चे में झावा चलाएंगे ना तो क्या होगा, और नीचे चिपक भी जाएगी। ये देखिए सारे बाफला ऊपर आ गए हैं। अगर आपके ये बाफला ऊपर आ गए तो समझ लीजिए आपके बाफला बहुत टेस्टी बनने वाले। बस हमें 10 मिनट इन्हें बॉईल करना है। तो यहां पर देखिए 10 मिनट बॉईल कर लिया है मीडियम लो फ्लेम पे। गैस देख लीजिए मीडियम लो फ्लेम पे ही है। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं, थोड़ा सावधानी से निकालना पड़ेगा टूट जाएंगे। दो निकाल लेते हैं। ये देखिए यहां डाल लेते हैं, क्या बात है, आय हाय हाय मजा आ गया यार, ये तो एक नंबर। अरे मेरा हाथ लग गया, मेरे को कुछ लोग दोस्त मेरे बोलते हैं यार आपके हाथ में कुछ जादू है। मेरा हाथ लग जाता है ना, भले कितनी भी बकवास रेसिपी होगी ना वो भी टेस्टी बन जाएगी। पता नहीं मेरे दोस्त ऐसा क्यों बोलते हैं, आप बताओ ऐसा क्यों बोलते हैं। क्या बात है, मजा आ गया। लीजिए उबाली आने देते हैं अच्छे से और बाकी भी डाल देते हैं इसके अंदर। एक 2 3 4 थोड़ा रुकते हैं, गैस को हाई फ्लेम पे करते हैं वरना ये एक साथ में चिपक जाएंगे। और ये करछी लग गई है तो ये टूट गया थोड़ा सा, ये आगे उबाली लीजिए, बाकी भी डाल देते हैं। अब इनको भी 10 मिनट उबालना है हमें, 10 मिनट देना है पूरा। और 2 से 3 मिनट बाद नीचे एक करछी चला दे, वैसे तो अपने आप ही ऊपर आ जाएंगे। कुछ क्या होता है कि जो बिल्कुल नीचे पैने में होता है ना वो वहां जाके चिपक जाता है, तो कोशिश करें 2-3 मिनट बाद एक करछी चला दे, चेक कर लेंगे नीचे कोई चिपक तो नहीं गया। अभी वैसे तो ये सारे ऊपर आएंगे, ये जैसे ये आए थे। तो लीजिए इन्हें भी हो गया 10 मिनट, गैस को कर देते हैं बंद और इन्हें भी निकाल लेते हैं। ये देखिए ऊपर आ गए ना, मजा आ गया समझ लीजिए, क्या बात। और इस तरीके से फट गए ना तो और भी मजा आ जाएगा, क्या बात है, मजा आ गया। अब इन्हें हमें ठंडा करना है फिर आगे की प्रोसेस करते हैं। ये लीजिए सारे निकाल लिए, अब बचा है हमारे पास पानी। अब कुछ लोग क्या गलती करते हैं, इस पानी को फेंक देते हैं। दाल बाफले के साथ दाल बनती है तो ये जो पानी है उसको दाल में काम ले, एक नंबर दाल बनेगी। पर मैं दाल नहीं बनाऊंगा, आपको पहले ही बता चुका हूं, मेरे बेटे हृदय ने बोला है कि मुझे बाफले खाने हैं और छोले भटूरे खाने हैं। अब भटूरे के साथ में तो छोले काबुली चने की सब्जी होती है, और फिर अलग से दाल बनाएगा तो मजा नहीं आएगा। इतने लोगों में काफी हो जाएगा। देखिए आप बताइए, थोड़ा सा गैस करके बताइए, 20 से 25 जनों के लिए हो जाएगा क्या? सही कमेंट करने वाला, जो सही कमेंट करेगा ना कि ये 20-25 जनों के लिए हो जाएगी क्या, क्योंकि हम खिलाएंगे कम पड़ गए तो वो हम बताएंगे आपको। अब उसमें कोई ये नहीं है, और खाते टाइम का भी वीडियो देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको ये बताना है कि 20-25 लोगों के लिए काफ़ी है, क्योंकि एक एक हम भटूरा देंगे और एक एक या दो दो ये देंगे तो 20-25 लोगों के लिए, 25 लोग मान लीजिए, 25 लोगों के लिए कम पड़ेगी या ज़्यादा पड़ेगी। तो जो भी सही कमेंट करेगा ना कि हो जाएगी या नहीं होगी, वो गिवे में आने वाला है अगस्त के अंदर,
10 हैंड ब्लेडर का, उसमें उसका ऑटोमेटिक नाम जुड़ जाएगा। चलिए अभी ने कर लेते हैं हल्का ठंडा। ये लीजिए, अच्छे से कर लिया ठंडा। अब क्या काम करना है? अब इसको दो तरीके से काटते हैं लोग। छोटी बनाते हैं तो क्या करते हैं, दो पीस करते हैं, लेकिन हम दो नहीं करेंगे, चार करेंगे। ये देखिए इस तरीके से काटना है। और देखिए अगर इस तरीके से गैप हो, ये देखिए, तो समझ लीजिए बाफला बनेगी एक नंबर। ये लीजिए इस तरीके से चार पीस कर लेने, ये एक दो ये चार। ये सभी को हमने इस तरीके से काट लेना है। कुछ लोग ऐसे काटते, देखिए ऐसे काटते हैं। क्या करते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे बीच में ये चलाते हैं चाकू, फिर उसको ऐसे काट देते हैं। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, पर हम ऐसे सीधा ही काटेंगे। तो कहते लीजिए सब कट गए। तेल देखिए यहाँ पे चढ़ा दिया गरम करने, हाई फ्लेम पे। अब इनको पहले थोड़ा सा पीस डालेंगे। देखिए तेल हाई फ्लेम पे गरम हो जाना चाहिए, तो थोड़ा सा पीस डाल के देखेंगे। हाँ हो गया, वाओ। लीजिए आप डाल देते हैं। कढ़ाई छोटी है मेरे पास में, बड़ी कढ़ाई होती तो एक बार में ही काम हो जाता। मम्मा ने बोला था इसमें जो तेल है बराबर है। कुछ लोग इसको घी में भी फ्राई करते हैं। गला खराब हो गया, वो कल रेसिपी खाई थी ना, क्या बनाया था कल, हाँ मलाई वाले बैंगन, उसकी वजह से थोड़ा गला खराब। पानी पी लिया खा के। ये क्या बात, अब कितनी देर फ्राई करना है इस चीज का ध्यान रखें। इनको करना है फ्राई पहले हाई फ्लेम पे, देखिए गैस है, गैस अब मीडियम लो फ्लेम पे कर देना है, और एक बार इन्हें थोड़ा सा चला लेना है वरना ये चिपक जाएगी नीचे। ये अब ऐसे पलट पलट के 3 से 4 मिनट इन्हें फ्राई कर लेना है। कढ़ाई छोटी है, घर वाली कढ़ाई है, और दूसरा ये कढ़ाई फ्लैट है, लोहे की कढ़ाई होती है वो गहरी होती है, तो उसके अंदर अपन डालते हैं ना, और तेल भी कुछ ज़्यादा होता है। तो हलवाई वाली बनानी है घर में, तो अब हलवाई जैसे सारे सामग्री तो हम मंगा नहीं सकते ना। ये देखिए गोल्डन ब्राउन कर लिए। अब आप ये सोच रहे होंगे जो पार्ट है, ये देखिए ये तो हो गया है, लेकिन ये वाला नहीं हुआ है, पर ये ऐसा ही रहेगा। जैसे हम इसे निकाल देंगे ना, तो ये भी इस तरीके का कलर हो जाएगा। चलिए निकाल लेते हैं। और वाह यार, मम्मा आप सही बोल रही थी कि ऐसे बाफले तो हमने नहीं बनाए आज तक, क्या बात है। अरे एक नंबर, ये देखिए आ गया मुंह में पानी। अरे वाह, खस्ता भी है सॉफ्ट भी है, वाह। निकाल लेते हैं और इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे इनको सभी को। देखिए कितने सुंदर और सुशील लग रहे हैं, आ गया मुंह में पानी। दाल में या छोलों में या चटनी के साथ खाएंगे तो आ जाएगा मजा एक नंबर वाला। तो फ्रेंड दोस्तों, आपको रेसिपी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे। हम बाकी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे बाफले, और एक बार मेरी तरीके से बना के जरूर देखना। पर अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, अभी बर्थडे के लिए और भी जो रेसिपी बनानी है उनका भी आपको रिव्यू देता जाऊंगा, और बर्थडे का भी देना है, कोई खत्म खत्म नहीं करना है। अभी हम खिलाएंगे लोगों को फिर खत्म करेंगे। ये लीजिए दोस्तों पूरे बाफले, देखिए मम्मा ने खाए, बोला कि आज तक हमने ऐसे नहीं बनाए, और हमने कहीं भी खाए तो ऐसे नहीं खाए। एक बार आप मेरे तरीके से बनाएंगे ना तो मजा आ जाएगा। दोस्तों देखो बना तो दिए ये छोले, आपको मैंने दिखाया नहीं कैसे बनाई, और वैसे भी काफी वीडियो है, पर ये छोले वाला नहीं है। ये जो छोले है ना, ये फरमाइश थी ना बेटे की भटूरे के लिए, तो ये तो बन गए।
यहाँ पर देखिए बाफला भी तैयार हो गए और यहाँ पर ये कैमरामैन पूरी का आटा लग रहा है और ये भटूरे के लिए आटा तैयार है। देखिए शानदार वाला, क्या बात है ये, आहा बनाते हैं। और नीचे थोड़ा सा बर्थडे की तैयारी जैसे हो रही है ना संस्कृति के हिसाब से, वो दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए, ये रहा बर्थडे बॉय। हेलो करो सबको, हाय, प्रणाम करो, प्रणाम। और ये देखिए यहाँ पर हमने दिए जलाए हैं, 12 वर्ष का कंप्लीट हो गया तो 12 ही दिए जलाए हैं। और यहाँ पर ये मम्मा अपने लिए गल्ला लेके आई है, उसकी पूजा कर रही है। यहाँ बैठे हैं प्रभु राम और उनके भक्त हनुमान से। हाय, हेलो, 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 हाय, हाय, हेलो, हेलो। ये जिसका बर्थडे है उसकी बहन, ये उसकी सेकंड बहन, ये उसका सेकंड भाई है? ये उसकी बुआ और ये बुआ के दोनों बच्चे और ये उसका चाचा, इसका भी बर्थडे आज। हेलो कर, हेलो, हेलो, आशीर्वाद दो, हैप्पी बर्थडे बोलो। ये बर्थडे बॉय की दादी जिसने जन्मदिन मनाया इस तरीके से, और ये पुराने तरीके से जो मनाते हैं बनाना चाहिए अपनी सनातन धर्म संस्कृति का। हाँ, तो वो क्या डायलॉग था वो एक बार बोल के बताना। जन्मदिन बधाई हो, बधाई हो, जन्मदिन बधाई हो, माता सुखदाई हो, पिता सुखदाई हो, पृथ्वी सुखदाई हो, जल सुखदाई हो, वायु सुखदाई हो, बधाई हो, बधाई हो, जन्मदिन बधाई हो, चंद्र सुखदाई हो, सूर्य सुखदाई हो, बधाई हो, बधाई हो, सब सुखदाई हो। तालियां। ये लीजिए गर्मा गर्म पूरी, वाह क्या बात है, कच्ची है, कच्ची है। हाँ, मोटी है और ज्यादा। ये मेरे कैमरामैन को कुछ भी नहीं आता है, 5 साल हो गए मेरे साथ वीडियो बनाते हुए। ये मेहमानों के लिए डिस्पोजल मंगा लिए हैं और ये भी मंगा लिए हैं, क्या बोलते हैं ये प्लेट। अभी तो मेरे नाम दो दोस्तों, ये देखिए तैयारी हो चुकी है और ये देखिए ज्यादा तो नहीं है, नाम बताओ अपना। हाय भी तो कर, हाय भी करो। हाँ हाय, हेलो, कैसे हो? इस पर हाय, हेलो, हाय हाय हाय, ये सबसे प्यारा है। आप शादी करानी ना आपकी? नहीं। ये दो, हाय हाय, नाम बताओ। हाय हर्ष, हर्ष हाय, हेलो पूर्वी, हाय हेलो, मैं बर्थडे बॉय की बुआ और ये मेरा भतीजा। हाय हेलो हृदय बर्थडे बॉय, आशीर्वाद दीजिए इसको, जुग जुग दिए। हेलो हृदय की मम्मी, दादी आओ, दादी पोता, हाँ यहाँ पापा के बहुत अच्छा है। मैं हृदय की दादी, ये मेरा पोता और लगते जिगर है मेरा पोता, ब्याज से मूल प्यारी मेरा पोता, ब्याज से मूल प्यारी होती है। देखिए ये है मेरा पोता, ब्याज से मूल प्यारी होती है। बनने जाल कमल, मूल से ब्याज प्यारी होती है। हाँ हाँ, उल्टा बोल दिया। हाँ नहीं, उल्टा बोल दिया माँ, उल्टा बोल दिया। हाँ अरे तो ब्याज ही तो प्यारी होती है, ब्याज ही प्यारी होती है। मूल प्यारा किसको होता है, मूल से ज्यादा प्याज प्यारी होती है। प्याज प्यारी होती है। ये भी हमारा बर्थडे बॉय है, ये भी बर्थडे, इसका भी बर्थडे है, ये चाचा भतीजा साथ में बर्थडे। हाँ ये चाचा भतीजे का बर्थडे, साथ में बर्थडे बताते हैं दोनों का, साथ ये दोनों का एक साथ ही आता है। ये लगते जिगर पूरे फैमिली की, या चले ना उधर भाई, तू इधर आए नहीं झिमझूर। ये देखो ये दोनों लगते जिगर है, ये और ये दोनों का। हाँ आज वाइट वाइट पहने। हाय भी तो कर, हाय हाय, दिख नहीं रहा, हाय फ्रेंड्स। नाम बता। नाम शेर सिंह, टैग हुनर। चैनल का नाम टैग हुनर।
वाओ वाओ बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास जानकारी। चेक आउट करो जाके, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और मानव को भी चलाओ भाई, मानव शादी करवा ले। देख सामने सामने कैमरे में शादी करवा दे तेरी। हाय बोलो। हाय कब करेगा? मेरे नाम बताओ। शादी कब करेगा? काली लड़की लाया। काली गोरी जी है। तू तो खुद काला है, देख रहा अपने आपको बोला हूँ कि काला हूँ। शादी करा दे तेरी, छोटी लेके आओ, छोटी बड़ा होगा जब करेगा है। उधर देख के बोल दो। मम्मी जैसी लाएं। अभी तो कमाना है। मम्मी जैसी लाएं। और मम्मी मम्मी क्या करती है? मम्मी है ना दीदी काम करती है। क्यों? मैं रात को डांस कर लेते मम्मी देख रही थी। हैं? तो मम्मी सो जाती है? और मम्मी धीरे काम करती है? हाँ। तो आप करा दिए करो काम मम्मा के साथ? मम्मी जाती है। नहीं काम नहीं करने देती है तो तेरी। मम्मी बोल के कपड़े मत धोती। हैं आप कपड़े धोते हो? मम्मी को बोलता हूँ कपड़े मत, मम्मी बोल के कपड़े मत धो। हैं सच में झूठ तो नहीं बोल रहे हो आप? नहीं। आपका नाम क्या है? मानव। आगे सब तो ये है हृदय सिंह के दादा। नाम बोलो आपका है? आपका नाम कमल सिंह। ये हृदय सिंह के दादा है। इधर दादी है। और ये इधर दादी है। और इधर चाची है। ये हृदय सिंह की चाची। आपका नाम? रेनु। और आपके चैनल का नाम? चैनल का नाम हाँ पता नहीं, मतलब चैनल के नाम ही इतने सारे रख दिए कि कंफ्यूज हो गए हैं। इनके चैनल का नाम है प्रतिभा रसोई हिंदी। उधर उसकी मम्मी, मम्मी तो आ गई, आ गई। ये केक कटने का इंतजार कर रहे हैं। ये सब इनके भैया लगा। पापा खेल के। ये सब इनके। इसको क्या हो रहा है? ये लो जो दोस्तों, यहाँ पर बर्थडे की मोमबत्तियां जल रही है। ये आ गई है, ये ना मतलब ये जो बर्थडे बॉय है, ये बस पूरे घर में ये दादी से ही। ओ क्या बात है, मजा आ गया। अरे एक साथ जलाते यार, ये क्या किया? तो मैं ओ अरे भाई दूर है ना, आग लगा मत लेना। अरे जल मत जाना। अरे भूख तो मारो दोनों। हैप्पी बर्थडे टू यू, बार बार ये दिन आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये है मेरी आरजू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू कमली, हैप्पी बर्थडे टू यू हृदय, हैप्पी बर्थडे दोनों, हैप्पी बर्थडे। अरे भाई थोड़ा थोड़ा लो, थोड़ा थोड़ा आराम से आराम से आराम से आराम से। मैं पीछे गिर गया। अगला तो पूरा लगा मत देना। अरे कमल को तो खिलाओ भाई, कोई पहले कमल को तो खिलाओ यार, मेरे बर्थडे बॉय को। माँ कहाँ गई? माँ चलो चलो ये केक का बिगाड़ा कर रहे हैं। देखो ये क्या है, बर्थडे का आर तो गिर गया। देखो टॉफी ले लो। ओ ले बर्थडे का आर गिर गया। वाह 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 वाह, अरे खिलाओ भाई खिलाओ, जिसको खिलाना है बोलो। भगवान श्री राम की जय, कालका माता की जय, कुलदेवी मैया की जय, राधे कृष्ण की जय,
शिव शंभु भोलेनाथ की जय। आज के आनंद की जय। बर्थडे बॉय की जय। अभी अरे अपने ताऊजी को भी खिला रहे, तेरे तो ताऊजी यही है। खिलाओ खिलाओ, ये आ गए मेरे 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 दोस्तों, ये मेरे लगते जिगर हैं। इधर देखो, ये मेरे लगते जिगर हैं। वकील साहब, अरे रुक जा, मैं आ रहा हूँ। वकील साहब, वकील साहब, हेलो करो, हाय करो, इधर इधर हाय। हेलो, नाम बताओ अपना। अनिल। पूरा नाम बताओ। अनिल चौधरी। नहीं नहीं, वो आपकी पदवी भी। एडवोकेट अनिल चौधरी। हाँ ऐसे, ये मेरे लगते जिगर है भाई। नहीं, मेरे लगते जिगर हो आप भाई। भैया खिलाओ पहले। मम्मी रह गए छोटी। अरे रुक जाओ, मैं खिलाऊंगा पहले। ये चाचा आ गए हैं, मोहब्बत दो चाचा को भी, बर्थ दो। ये देखो इनको कैसे शक्ल हो गई। अरे सब में बर्थ जाएगा, तू रहने ना। अरे अरे आप हां लगाओ। अरे आज के पैसे आज के पैसे ऐसे नहीं, तो खराब हो रहा है ना, बच्चे खाएंगे। ये वन सोचते हैं पर बच्चे वगैरह नहीं सोचते। हां आज के बाद इन्होंने मेरे लगा दिए, बताओ। मेरा तो बर्थडे ही नहीं है। ले वापिस गिर गया, ले ले ले, ये तो लगते जी कर रहा है। कूड़ मेरा वीडियो में तो खींचेंगे ना मुझे। ओए एक जैसे, अरे इसके इसके साथ हृदय के साथ ले एक इनाटा। सारे लगते जी करना बर्थडे इसके साथ थोड़ी आओ तारो। अरे इनाटा हैं, हाँ ये बात हुई आज दोनों का आज। हाँ मुंह तो कम, मुंह बंद कर ले अनु, चाटे मत। कमल का हृदय ना, नाक को कौन चाटते। दोस्तों आशीर्वाद दे दो, इसी में आपका फायदा है। आशीर्वाद दे के बिना जो चला गया ना, तो इसमें आपका घाटा है। लो आशीर्वाद। अरे मैं, अरे ये YouTube के काम है, सब्सक्राइबर को बोल। हाँ घर वालों ने तो दिया ही नहीं। हाँ। सारे दो भाई घर वाले, फिर वो बोलेंगे आशीर्वाद है। ये ताऊजी ने क्या, ताऊजी भी देंगे। खुश रहो। हाँ दोनों खुश रहो, दोनों ही छोटे हैं। हाँ दोनों के याद है। है खिलाए वो खिलाए जा इसी तेरे को। चलो भाई दोस्तों, आज का केक कट चुका है, अब जा रहे हूँ मैं वापिस रसोई में, और मेरा तो पूरा जीवन रसोई में कटने वाला है भाई साहब। मैं सुबह से लगा हुआ बाफला बनाने, वो बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है। मैं चाय पिलाओ। ओ क्या भाई, खिलाओ भाई खिलाओ। यार ये रेशम की चाची केक खाया जा रहा है यहाँ पे, और ये आ गया इधर नेमू जी का भाई, उनका एक साथ आता है। ले के गिर गया, ये इधर खिलाने के लिए था। देखो देखो यहाँ मस्ती हो रही है खूब। ये देखिए, अब मेरे तो दोस्त आ गए हैं, फ्रेंड आ गए हैं, तो इसलिए मैं बना नहीं रहा हूँ। ये देखिए मस्त, देखिए भटूरा फूलेगा, देखिए हाय हाय, देखिए गुब्बारे के जैसे फूल गया। दोनों लगी हुई है, ये देखो माँ बेटी, ये मेरी बहन और ये मेरी माँ। हाय हाय हाय, हेलो, भटूरे खा लो, आ जाओ आ जाओ। ये देखिए क्या मस्त, और आज ही कढ़ाई मंगवाई है ये मैंने, आज ही इसका मदद हो गया है। हाँ हो गया भाई, निकालो जल जाएगा। और कैमरा मैन को मैंने चार बार बोला, पर धनिया हर बार मिला दिया। वो क्लब कचौरी होती है ना, उसमें धनिया ऊपर से डालते हैं, ऐसे ऐसे करके सर्व करते हैं। मेरे को ऐसे करना था पर हुआ नहीं यार, सॉरी दोस्तों। तो दोस्तों मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूँ ना, कि जो खिलाने का मजा है ना, वो खाने का नहीं है। तो देखिए जब ये बच्चे खा रहे हैं ना। हाँ भाई, भटूरे कैसे बने और बाफला, सब्जी, मिर्ची ज्यादा है क्या? नहीं।
हाँ कोई दोस्त कमेंट करेगा बहुत मिर्ची है, उसके लिए कुछ बोलो। सब्जी चरखी है क्या बेटा? नहीं। मानव और जो भी कमेंट करते थे, देखो इतना छोटा बच्चा भी सब्जी खा रहा है मेरी, ये देखो जो कमेंट करते ना कि मसाला ज्यादा है सब्जी ज्यादा है, ये देखो इसको कहते हैं खाने का शौक सबको होता है पर खिलाने का शौक सिर्फ राज को है। हाँ कौन क्या बोल रहा, सब्जी ले भाई सब्जी दो, सब्जी लाऊं मैं डाल दूंगा, खाओ फिनिश करो यार ना। तो दोस्तों लाइक करके जरूर जाना, और आपका मूड हो तो ठीक, मूड सही हो तो ठीक है, बीवी से लड़ाई नहीं हो तो ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो ठीक है। अभी यही खा रहे हैं, अभी उसके बाद में ये बर्थडे बॉय खाएगा, ये बर्थडे बॉय के दादा खा रहे हैं, फिर अभी करीब 7-8 जने और हैं वो भी खाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर ले, मेरे चैनल पर और भी काफी रेसिपी होने, देखिए बनाइए खिलाइए और तारीफ पाइए। तो दोस्तों देखिए ये दूसरी पंगत लग गई है, ये देखिए यहाँ पर ये कैमरामैन है, कैमरामैन उधर दिखा, ये कैमरामैन मेरा, ये घूमटा खोलेगी नहीं क्योंकि मैं इसका क्या लगता हूँ जेट लगता हूँ, और जेट आने वाला है, और ये इसकी बहू है, ये इसकी बहू है, ये घूमटा नहीं कर रहा हुआ है क्योंकि मैं इसका भाई लगता हूँ, और मैं इसका भाई लगता हूँ, ये मेरी बहन है सुंदर और सुशील, जैसे मेरी कड़ाई रहती है हमेशा। और देखिए खा रहे हैं मस्त और उनमें मजा आ रहा है। हाँ भाई सब्जी बताओ कैसी बनी है? एक नंबर शादी ब्याह में सब्जी में फेल है। हैं? हाँ। क्या शादी ब्याह वाले सब्जी में फेल है इसके आगे? क्या बात है। और भटूरे? भटूरे पहले फूले भट्टी की तरह। और बाबला? बाबला एक नंबर। अप्रितिम वाओ ये फूट रहे। अरे हरी कट्टू और देखो सबसे मेन चीज देखो ये बच्चे खाली हैं, देखो हारिका ये देखो ये जिमा रही है, हाय हाय ये स्पर्श जिमा रहा है, देखो सब्जी डाल रहा है स्पर्श, इधर देख ये जिमा रहा है, देखो हाँ ये देखो परी ये देखो ये जिमा रही है पानी। तो दोस्तों सब आप भी ऐसे एंजॉय करा करो, घर वालों के साथ में खाने का जो मजा है ना वो एक अलग ही मजा है, और जो खिलाने का मजा है ना मुझे तो बहुत मजा आता है खिला के, खिलाने में मजा है वो खाने में नहीं है। हाँ जो खिलाने में मजा है वो खाने में नहीं है, क्योंकि जो बनाता है उसकी तो भूख ही मर जाती है। हाँ मर तो बनाता बनाते भूख मर जाओ यार। चलो हेलो करो एक साथ सब। हेलो हाय। ये देखो हमने परोसगार करने वाले परोसगारी रख रखे हैं, ये देखो एक दो तीन परोसगारी रखे हैं, दो दो सौ रुपए लेंगे, सब्जी में छोले नहीं दे रहा है केवल पानी पानी दे रहा है। हाँ ये परोसगारी सही से करो रे, अरे हटो एक साथ ही डालोगे क्या? दोस्तों आप भी ऐसे ही घर वालों के साथ एंजॉय किया करो, मैं कभी और भी किसी वीडियो में आपको मिलता हूँ, और आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हो, वहाँ मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से दिखूंगा। हाँ 10-15 रील्स में रोज डाल देता हूँ जब भी वक्त मिल रहा है। इसके लिए आप कुछ कहना चाहोगी बहना? बिल्कुल कहना चाहूंगी मैं, थोड़ा सा अगर है प्रयास होता तो आज एक्टर होते मुंबई के अंदर। हाँ आप रील मैं रील चाहता हूँ जो उसके लिए कुछ कहना। A1 A1 अरे हाँ यार आप लोगों को मैं बताना भूल गया कि मैंने मेरे जो बर्थडे बॉय देखे सो गया, तो सुबह उसका एग्जाम है, ये देखिए ये बर्थडे बॉय सो गया, ये देखिए ये बर्थडे बॉय सो गया है, हेलो ये सो गया है, अब इसका गिफ्ट भी मैं लेके आया हूँ,
वो भी दिखाता हूँ आप लोगों को। थोड़ी सी थाली हटा के जगह करो, गिफ्ट दिखा दो दोस्तों को। तो दोस्तों ये देखिए, ये गिफ्ट लेके आया हूँ मैं, और मैंने सोचा 3-4 हजार रुपए में आ जाएगी, 16 हजार रुपए की आई है यार। ये 17 की है ना, 16.5 हजार रुपए की। बताओ ये साइकिल दिए है, 12 साल का हृदय हो गया है, थोड़ा डर लगता है बच्चों को बाहर भेजते टाइम, इसलिए चुप हो जाओ। तो ये देखिए दोस्तों, ये साइकिल हमने खरीदी है, ये मैंने अपने बच्चे को गिफ्ट दिया है, बाकी और यहाँ पे चुन्नी भी बांध दी है, पूजा भी हो गई है, ये देखिए यहाँ पे भी हो गई है। और आपको साइकिल कैसी लगी ये बताना नीचे कमेंट बॉक्स में, A1 कंपनी की, A1 की। हाँ बताओ, मैंने सोचा 2-3 हजार में आएगी, 16 हजार रुपये खर्च करा दी, 17 हजार रुपये, 16,700-17 हजार ही हो गए। फिर जो लेने गए थे उन्होंने पैसे भी मांग लिए किराए बढ़ाई के। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना यार, और कुछ नहीं करो तो हैप्पी बर्थडे तो बोल देना यार। ये देखो ये सब जीम रहे हैं, अब जीमने का मतलब क्या होता है नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो फटाफट, फालतू की बात नहीं करना। और ये बच्चे परोसगारी कर रहे हैं, परोसगारी का क्या मतलब होता है नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट, परोसगारी।